नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको चेन स्टिच बनाना बताऊंगी। यूजुअली प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हम चेन्स बना के ही करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। अब इस गोले में से ये आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। यह हमारी स्लिप नॉट बन गई। इस लूप के अंदर हुक को डालें और इस लूप का साइज़ हम आगे वाला धागा खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। इस लूप का साइज़ हमें इतना रखना है कि इसमें हमारा हुक आसानी से चल सके, ना ये ज़्यादा लूज़ हो ना ये ज़्यादा टाइट हो। अब चेन्स बनाने के लिए इस आगे वाले धागे को हमें इस तरीके से पकड़ना है कि इसमें टेंशन सही बनी रहे, ना ज़्यादा टाइट हो धागा ना ज़्यादा लूज़ हो। तो इसके लिए धागे को पहले छोटी वाली उंगली पे से इस तरीके से एक बार लपेटे और फिर फर्स्ट फिंगर के ऊपर से, और ये जो बचा हुआ धागा है इसको अपने थंब और दो उंगली के साथ पकड़ ले। अब चेन बनाने के लिए हुक को इस धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसाया, उसको नीचे लेके आए, हुक पे ये जो लूप है इससे धागे को निकाला। ये हमारी एक चेन बन गई। वापस देखिए, हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। जब आपकी चेन्स बढ़ती जाए तो अभी हमने जो धागे को यहाँ पे पकड़ा है अपने थंब और दो उंगली से, इसको आप आगे पकड़ते जाए ताकि आपका धागा ज़्यादा खींचे भी ना, आपकी चेन से ज़्यादा टाइट भी ना बने और ज़्यादा लूज़ भी ना बने। अगर यहाँ पे आपका धागा खींचेगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो आप इसको निकाल ही नहीं पाएंगे लूप से, और अगर ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो फिर ये चेन बहुत लूज़ लूज़ बनेगी, अनइवन साइज़ की बनेगी। तो इसीलिए चेन्स जब ज़्यादा बनती जाए आप इसको आगे पकड़ते जाए इस तरीके से। हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। हुक को भी पकड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको पेन की तरह पकड़ते हैं इस तरीके से जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, कुछ लोग इसको नाइफ की तरह भी पकड़ते हैं ऐसे, और फिर इस तरीके से क्रोशे करते हैं। तो आप दोनों ही तरीके से हुक को पकड़ के देख सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जब हमें चेन्स को काउंट करना हो तो ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता, ये सिर्फ हुक पे लूप है। हर चेन आप देखेंगे आपको एक वी की तरह दिखाई देगी, तो आप सारे वीस काउंट कर सकते हैं। यहाँ हमारी ये स्लिप नॉट के बाद सबसे पहली चेन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये हमारी लास्ट चेन है, ये लूप काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से आप आगे जितनी चेन्स बढ़ाना चाहे उतनी चेन्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।